सब वेलकम बैक टू चैनल लाइफ फर्स्ट केयर। आज का जो वीडियो है उसे पूरा जरूर देखना यार, बहुत मेहनत लगती है बहुत दिनों बाद। हाँ, इसके बाद क्वालिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो मिलते हैं वही शोरूम पर। तो आज आपके सामने है यामा एरक्स 155 150 सीसी सेगमेंट में इंडियन मार्केट में कम ही उपलब्ध है। जैसे एप्रिलिया हो गया, ये हो गया, किसी भी यामा की बाइक और स्कूटर लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं गांधी मोटर्स के। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जरूर कॉन्टैक्ट करें बाइक के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह का लुक है सामने से, देखिए एरोडायनेमिक, पूरा इसका एरोडायनेमिक लुक दे रखा है। आगे के मडगार्ड से स्टार्ट करते हैं तो ये भी एरोडायनेमिक, और यामा का ये ब्लू कलर फ्रेम बहुत ही शानदार। आगे का देखिए टायर, आगे का टायर से शुरू कर लेते हैं। सीएट का टायर दे रखा है इसमें, और 110/80/14 इंच के टायर दे रखे हैं। 230 mm के डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, सिंगल चैनल एबीएस के साथ आएगा, और इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं, और यहाँ पर आपको कार्बन फिनिशिंग में काम दे रखा है। एलईडी कुछ इस तरह से दे रखी है, आगे का ये जो एलईडी है पूरा, और डीआरएल यहाँ पर दे रखे हैं। तो चार तरह के, चार कट में दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4। तो वापिस यहाँ पर आपको एरक्स क्या है, एरक्स का यहाँ पर ब्रांडिंग, और यहाँ आपको यहाँ पर एरोडायनेमिक और डिजाइनिंग के बारे में बोल रहा था। तो कुछ इस तरह से लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है, 155 cc लिक्विड कूल इंजन, R15 वाला इंजन कह सकते हैं आप इसमें, पर उसमें कुछ बहुत सारे बदलाव करके इसको इंजन को यहाँ फिट किया है। तो वापस एरक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, VVA वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी दे रखी है। मतलब एक सिस्टम है इसमें, 70 की स्पीड पर जाने के बाद ये आपको ये एक्स्ट्रा पावर देता है। और वापस 155 cc यहाँ पर लिखा है, यहीं से आपको ये ग्रैब रेल है। तो इसको डिजाइन कुछ इस तरह से है, इस तरह से आपको यह ग्रैब रेल भी दे रखा है जो पिलियन के लिए दे रखा है। और एलईडी सेटअप पीछे का जो टेल लैंप एलईडी, यह बल्ब है, ठीक है। और पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा, काफ़ी चौड़ा टायर दे रखा है, जो R1 वाला R15 में जो टायर आता है उसी टाइप का इसमें आपको टायर है। बस थोड़ा सा 14 इंच दे दिया है, 130 mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है, और यहाँ पर आपको वही G8 के टायर दे रखे हैं, और 140/70/14 inch के टायर दे रखे हैं। एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से, और यहाँ पर सस्पेंशन आपको बाइक स्टाइल में दे रखे हैं, दो सस्पेंशन, बाकी के स्कूटर में आपने देखा होगा सिंगल सस्पेंशन आता है। और यहाँ पर आपको रेडिएटर दे रखा है लिक्विड कूल इंजन होने की वजह से, और यहाँ पर आपको फुटरेस्ट भी दे रखा है, पीछे पिलियन के लिए फुटरेस्ट कुछ इस तरह से दे रखे हैं, बाकी आपके आगे बैठने के लिए वहाँ पर दे रखे हैं। फ्यूल कैप कुछ इस तरह से ओपन होगी यहाँ से, और यहीं से वापस क्लोज। इसमें आपको चार्जिंग फैसिलिटी भी दे रखी है, तो यहाँ से जैसे आप इसको अंदर की तरफ करेंगे और इधर, तो आपको यहाँ पर कार वाला चार्जर दे रखा है, और यहाँ पर आपको मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, इसकी जगह दे रखी है। इस पर भी आपको अलग से सॉकेट लेना पड़ेगा, यह सबसे बेटर लगता है मेरे को, क्योंकि वो बाहर रहता है वो ख़राब हो जाता है, उसमें इसमें ख़राब होने का चांस कम है, पानी भी चला गया तो एक बार तो ख़राब नहीं होगा बस। फिर वापस सीट ओपन करने के लिए आपको यहीं से क्लिक करना है, फिर आपको ये ओपन होगा। 24.5 लीटर का बूट स्पेस दे रखा है, तो कुछ इस तरह से 2-स्टेप सीट दे रखी है, कुछ नहीं, बहुत ही शानदार। राइडर के लिए बहुत ही बड़ी सीट, पिलियन के लिए भी अच्छी खासी जगह दे रखी है, और एरक्स यहाँ पर भी दे रखा है, ड्यूल टोन में सीट दे रखी है, और टेक्सचर इसका यूँ रफ है। और यहाँ पर देखिए वापस कार्बन फिनिश में यहाँ दे रखा है, यामा की बैजिंग, यहाँ पर डिजिटल मीटर दे रखा है आपको, यहाँ से ऑन करते हैं डिजिटल मीटर। तो कुछ इस तरह से इसमें वाई कनेक्ट एप्लीकेशन आप कनेक्ट कर तो मोबाइल में डाउनलोड करके आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके मैसेजेस वगैरह, कॉलिंग वगैरह सब यहाँ से आपको दिख जाएगा। बेसिक सारी जानकारी इसमें दे रखी है, ABS स्विच वगैरह, इंडिकेटर वगैरह कुछ इस तरह से, हॉर्न भी आपको बजा के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से बजेंगे हो। और यहाँ पर आपको मेनू जो इन यहाँ पर मीटर सेट करने का मेन्यू है, वहाँ स्विच यहाँ पर जो पासिंग स्विच होता है वहाँ पर दे रखा है, और ये आपको हाई बीम लो बीम का स्विच यहाँ पर दे रखा है। और एक टेक्नोलॉजी इसमें भी दे रखी है, अगर आप सिग्नल पे कहीं 5 मिनट रुक गए तो ऑटोमेटिक स्कूटर बंद हो जाएगा, वापस क्लच दबाने पर ऑटोम होगी, क्लच के ब्रेक सॉरी क्लच आ जाता है, क्योंकि बाइक के ज़्यादा बनाते हैं स्कूटर के कम, इसी वजह से। अब इसको बंद करके चाबी आपको बता दूँ, चाबी कुछ इस तरह से हटके है, अभी तक की यामा की सब चाबियों में से ये सबसे अलग हटके लगी, वो बड़ी भी है, स्कूटर भी बड़ा है, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। जब आप इसको ये ऑन करेंगे ना, ऑन में ये सब ऑन नहीं होंगे, इसको आपको वापस या ओपन पे लाना पड़ेगा, फिर ये ऑन होंगे, ऑफ मतलब सब लॉक, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, और ये ब्रेक लीवर वगैरह, ग्रिप वगैरह बहुत ही शानदार, स्मूथ और फिट एंड फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दे रखी है,
जो मैं एरोडायनेमिक डिजाइन के बारे में बोला था कुछ इस तरह से ये देख लीजिए। हाँ, इस पर एक बात और बता देता हूँ आपको, इस पर गैस की टंकी, पानी के कैंपर, बड़े कट्टे जो प्याज के बड़े बोरे ये वगैरह नहीं ला पाएंगे। ये आपको लंबी टूरिंग बाइक, मतलब टूरिंग बाइक क्या, टूरिंग स्कूटर कह सकते हो, बहुत ही शानदार है। इसमें मतलब यू थकान नहीं देगा, इस हिसाब से इसका जो बनावट है वो इस तरह से बनेगी। इसकी हाईएस्ट स्पीड 115 की है, 40 प्लस का इसका माइलेज दे देगी। 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 FI इंजन है जो पावर देता है 14.79 8000 RPM पर और 13.9 NM का टॉर्क 6500 RPM पर। माइलेज इसका मैंने बता ही दिया आपको, 40 का और 115 की इसकी टॉप स्पीड देगी। हाँ, इसमें फ्यूल टैंक जो आपको दे रखा है वो 5.5 लीटर का दे रखा है, काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक है, अच्छी खासी आपको डिस्टेंस कवर कर लेंगे आराम से। और इसकी जो कीमत है, एक शोरूम कीमत 1,42,539 रुपये। अब आ जाते हैं इसके साउंड के ऊपर, फोन करते हैं। अच्छा, मैं भूल गया इसको ब्रेक दबा, कुछ इस तरह से साइलेंट साउंड है बिल्कुल। मेरे को स्कूटर ऑन करके साउंड सुनाना बहुत खतरनाक लगता है, क्योंकि अभी यहाँ से रेस ले रहे हो, कहीं स्कूटर आगे निकल जाए तो दिक्कत आ जाती है। और ब्रेक लीवर कुछ इस तरह से दे रखे हैं, आगे का ब्रेक और पीछे का ब्रेक कुछ इस तरह से। और लाइट आप DRL वगैरह देख लीजिए, तो DRL वगैरह कुछ इस तरह से है। ये लो गया, ये लो है, अब ये है हाई। इंडिकेटर कुछ इस तरह से आपको इंडिकेटर दे रखे हैं, सामने से देखने पर बहुत ही शानदार लगता है। अब आ जाते हैं इसके पीछे की तरफ, पीछे मैंने वैसे भी आपको LED बता रखा है और इस तरह से आपको दिखेगा साउंड वगैरह। ये देखिए टायर वगैरह मैंने बता रखे, बहुत ही शानदार टायर है। इसका वजन है 126 किलो, सीट हाइट 790 mm और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 145 mm, व्हील बेस इसका 1350 mm और ओवरऑल लेंथ है 1980 mm। तो आराम से घर में आराम से जहाँ भी जाओ वहाँ रख सकते हो, लंबे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका एग्जॉस्ट सबसे मेरे को अच्छा लगा है, बिल्कुल शानदार। इसको पूरा यूँ कवर कर रखा है मफलर से, जो कार्बन फिनिश में है, कार्बन प्लास्टिक है ये वाला, और है बहुत ही शानदार। इस पर स्केच वगैरह यूँ आसानी से नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी यामा बाइक लेने के लिए आप गांधी मोटर्स उदयपुर संपर्क कर सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समा को इजाज़त दीजिए। और इस बाइक के बारे में या यामा की और भी कोई सी भी बाइक के बारे में आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए, या क्या जानना चाहते हैं तो मैं उस पर उसी हिसाब से वीडियो बना के देती हूँ। और वीडियो आने में देरी हो जाती है तो थोड़ा उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं किसी चीज़ का वेट कर रहा था जिससे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।